किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से सुशासन सप्ताह में प्रशासनिक अमला घर घर जाकर विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करेगा। पटेल ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों को शुभकामनाएं दी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों को लाभान्वित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों को सम्मान निधि की एक किश्त जारी भी की है। पटेल ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए नए कानून लाए गए हैं, जिससे किसानों को उनकी उपज का पूरा पूरा लाभ मिल सकेगा। किसानों को मंडियों में गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ ही उनके सत्कार के लिए मंडियों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कृत संकल्पित है। आज उनकी जयंती के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अटल जी को सम्मान देने के लिए सुशासन दिवस के रूप में पूरे भारत में आज मनाया जा रहा है। सुशासन यानी अच्छा शासन, ईमानदार शासन। और मैंने यह तय किया है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में कि हरदा जिले में सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा, यानी एक सप्ताह तक, आज से लेकर 21 तारीख तक। और उसका नाम रखा है सुशासन सप्ताह में आपकी समस्या का हल आपके घर, घर पहुंच सेवा, यानी अब हमारे पिड़गांव और पूरे जिले में। कमल पटेल ने कहा कि सुशासन सप्ताह में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत मालिकाना हक संबंधी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। विधवा एवं निराश्रित पेंशन का लाभ मिलेगा। दिव्यांग जनों को 40% से अधिक की दिव्यांगता होने पर प्रमाण पत्र मिलेंगे। इस प्रकार प्रशासनिक अमला घर घर जाकर हितग्राहियों की पात्रता का परीक्षण कर उन लाभान्वित करेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।